हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपुर पर आज और आप देख रहे हैं सिर्फ टैक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के k9s फ़ोन के बारे में। ओप्पो ने अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ओप्पो k9s। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या उसमें खास मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 20 से 22 हज़ार तक का एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाह रहे थे, आपका बजट 20 से 22 हज़ार का है और आप एक गेमिंग लवर भी हैं और आप कैमरे के मामले में भी आप अच्छा फ़ोन खरीदना चाह रहे थे, तो दोस्तों अगर आप एक 20 से 22 हज़ार का फ़ोन ख़रीदना चाह रहे थे तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो कैसे बेस्ट होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ओप्पो K9s की अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.59 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और बात करें इसके रेजुलेशन की तो दोस्तों, इसमें आपको 1080x2412 पिक्सल रेजुलेशन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये डिस्प्ले TFT LCD पैनल पर काम करती है। और दोस्तों, अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस फ़ोन के अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यानी कि एंड्रॉयड 11 के साथ इसमें कलर OS 11.2 के साथ ये काम करता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो दोस्तों, अगर आप सेल्फी लवर हैं या आप कैमरे के तौर पर एक बेस्ट फ़ोन खरीदना चाह रहे थे तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 64MP का आपको इसमें वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि एक बड़ी बात है। और साथ ही इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही इसमें आपको 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि एक बड़ी बात है। और दोस्तों, अब बात आती है इसके सेल्फी कैमरे की, यानी कि सेल्फी कैमरा या आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रंट कैमरे से, तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, ये एक इसमें खास बात है। और दोस्तों, अब बात आती है सबसे बड़ी बात जो है कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट वर्जन, ये एक खास बात है। और साथ ही इसमें आपको 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ और यहाँ तक कि आपको GPS, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इसके चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक बड़ी बात है। और दोस्तों, अब बात आ रही है इसकी बैटरी की। तो दोस्तों, आपको बता दें आजकल ज़्यादा बड़ी बैटरी मिल रही है हर फ़ोन में। तो दोस्तों, इसमें भी आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, यानी कि 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, जो कि 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, ये खास फीचर आपको इसमें मिलने वाला है, 30W का फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है। और दोस्तों, अब बात आती है इसके रैम की और इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो दोस्तों, ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में मिल जाता है, यानी कि 8GB और 6GB। और अगर हम रोम की बात करें, इंटरनल मेमोरी की बात करें, तो 128GB दोनों में मिल जाती है। अब बात करें इसके 6GB रैम की, तो आपको ये 20,000 का मिल जाएगा, 19,999 का। और दोस्तों, अगर हम इसके 8GB रैम की बात करें तो ये आपको 22,000 का मिल जाएगा। तो दोस्तों, 21,999 का ये आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एक 20 से 22 हज़ार का बेस्ट फ़ोन खरीदना चाह रहे थे तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल की रिव्यूज़ भी करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।